तो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कब अपनी बेट डबल करनी चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार आपने मार्टिंगले स्ट्रेटजी को तो मना कर दिया, डबलिंग नहीं करनी चाहिए। कि मतलब डबलिंग मतलब कि अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, 5 बार नहीं आया, 6 बार नहीं आया, काफ़ी लंबे वक्त से कोई चीज़ नहीं आई है, तो अब उसके ऊपर पैसा लगा दो उसके अपोजिट में कि अब तो पक्का आएगी। और अगर वो नहीं आती तो उसको डबल करते रहो, कभी ना कभी तो आएगी, आप जीत जाओगे। ये है मार्टिंगले स्ट्रेटजी। डबल करने में आपका नुकसान बहुत बढ़ जाता है, तो मैं इसको मना करता हूँ। तो मैंने कहा था कि मैं बताऊँगा कि डबलिंग कब करनी चाहिए, तो मैं आज आपको बताता हूँ डबलिंग कब करनी चाहिए। पहले तो एक बात समझ लो, गैम्बलिंग के साथ लड़ना नहीं है, कैसीनो के साथ लड़ना नहीं है, इसके साथ चलना है। यहाँ पर आप लड़के नहीं जीत सकते। तो हमेशा गो विद द फ्लो, लाइफ में गो विद द फ्लो नहीं होना चाहिए, पर गैम्बलिंग में गो विद द फ्लो जो होगा वही जीतेगा, मतलब जो धारा के साथ बहेगा, जो रिजल्ट आ रहा है, जो पैटर्न रूलेट मार रहा है, जो पैटर्न पे गेम चल रही है उसके साथ चलो। यहाँ पर आप मैक्सिमम टाइम विन करोगे, ऑन एन एवरेज विन रहोगे, अपोजिट मत चलो। अपोजिट में आप विन तो करोगे ज़्यादा, पर जब हारोगे तो बहुत मोटा हारोगे। 10 बार की कमाई 1 बार में घुसेगी। तो पहला नियम डबलिंग करने का, हमेशा डबलिंग प्रॉफिट के अमाउंट से होनी चाहिए, प्रिंसिपल के अमाउंट से नहीं। प्रिंसिपल के अमाउंट से जो भी आप कमा सकते हो वो कमाते रहो थोड़ा थोड़ा। अगर आपके पास कोई प्रॉफिट अमाउंट है, आप प्रिंसिपल सेफ है, प्रॉफिट अमाउंट है, उस पर रिस्क लेना है, उस पर डबल करना है। पहली बात, डबलिंग हमेशा प्रॉफिट पर होनी चाहिए, बेट का अमाउंट हमेशा प्रॉफिट पर बढ़ाना चाहिए, नहीं आने पर। और यहाँ पर अभी ये नहीं आने पर नहीं कहा, मैंने कहा है कि बेट बढ़ाना, आने पर किसी रिजल्ट के आने पर या नहीं आने पर उसके अपोजिट चलना है या उसके साथ चलना है, यह मैं अभी बताऊंगा। अभी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, डबलिंग का पहला नियम ध्यान रखना, हमेशा प्रॉफिट के अमाउंट को दाव पे लगाना है, प्रिंसिपल की रक्षा करनी है, जो लेके गए हो, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसकी रक्षा करनी है। उससे कमाए हुए पे कभी कभी आप रिस्क ले सकते हो, अक्सर नहीं। अगर हर बार रिस्क पे ही डालते रहोगे तो फिर आप मुनाफाखोरी कैसे करोगे। कभी कभी रिस्क ले लिया कि चलो डबल करके देखते हैं, आज एकदम बढ़ जाएगा, ठीक है, नहीं बढ़ा कोई बात नहीं, प्रिंसिपल तो वही है, थोड़ा बहुत प्लस या बराबर में निकल जाएंगे या छोटा मोटा माइनस करके निकल जाएंगे, चांस तो लिया ना। दूसरा, कभी भी गेम के पैटर्न के अपोजिट नहीं चलना। अगर बेट डबल भी कर रहे हो तो डबल तो करना है कब, प्रॉफिट से, पर डबलिंग कभी भी अपोजिट रिजल्ट पे नहीं होनी चाहिए। डबलिंग हमेशा जो पैटर्न चल रहा है वो, अगर आप कलर खेलते हो, रेड ब्लैक खेलते हो, तो अगर रेड आ रहा है और आपको, आप पहले हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इस पर कि आपको हिस्ट्री को पहले समझना है। हिस्ट्री देखो कि क्या रूलेट या जो भी गेम खेलते हो आप, क्या वो जिगजैग चल रही है, कि एक बार ये रिजल्ट, एक बार ये रिजल्ट, दो बार ये रिजल्ट, एक बार ये रिजल्ट, 3 बार ये रिजल्ट, 2 बार ये रिजल्ट, ऐसा चल रहा है तो वेट करो, तो आपको पता ही नहीं। फिर ध्यान से समझो हिस्ट्री, कभी कभी जिगजैग चलेगा, एक बार ये रिजल्ट, एक बार ये रिजल्ट, एक बार ये रिजल्ट, एक बार ये, 7-8 बार मारेगा, तो ये करो आप। आपको दिख रहा है कि जिगजैग चल रहा है, तो रेड का ब्लैक, ब्लैक का रेड, रेड का ब्लैक, ब्लैक का रेड, देखो प्रॉफिट आएगा। पर इसके लिए हिस्ट्री समझनी होगी, गेम का पैटर्न समझना होगा। अगर पैटर्न ऐसा चल रहा है कि पिछले 15-20 गेम में या 8-10 गेम में उसने किसी भी कलर को मिनिमम डबल या ट्रिपल तो किया ही किया है, तो मतलब आप ये कह सकते हो जिगजैग तो नहीं चल रहा, मतलब कम से कम ये 2 या 3 या 4 बार तो कलर मार ही रहा है, मतलब एक ही रिजल्ट दे रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको डबल करना है। रेड आया, रेड के ऊपर ही पैसा लगाओ, रेड आएगा फिर रेड के ऊपर पैसा लगाओ, एक बार डबल करना है। जैसे 1000 रुपये रेड पे लगाया, आ गया तो आपका 1000 लगाया था, 1000 आया, अब ये 2000 लगा दो, फिर आ गया 4000 हो गए, अब 3 जेब में डालो, 1 लगाओ। अगर फिर आप डबल करते रहे तो फिर भी वही हो गया कि मार्टिंग लेके मान ली तो भी बेड़ा कर, मार्टिंग लेके अपोजिट चल गए तो भी बेड़ा कर, ऐसा नहीं करना है। मुनाफाखोरी बहुत ज़रूरी है, और मुनाफाखोरी हमेशा विनिंग में होगी ना, लूजिंग में कैसे मुनाफाखोरी करोगे। तो मार्टिंग ले तो कह रहा है कि पैसा जाएगा, और मुनाफाखोरी का आपको एक ही बेट मिलेगी, जो लास्ट की फाइनल बेट होगी, जो डबल 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 करते हुए आपको मिल जाएगी, वो होगी आपकी मुनाफाखोरी। पर ऐसा नहीं है, उसमें एक ही मौका मिल रहा है मुनाफाखोरी का फाइनल। यहाँ पर आपको हर, जब आप फ्लो के साथ चल रहे हो और हर बेट आ रही है आपकी, तो आपको हर बेट पे मौका मिल रहा है कि डबल करना है या जेब में डालना है पैसा। एक बार डबल करो, 1000 रुपये लगाया, आ गया 2000 करो, 2000 आ गया 4000 करो, अब डबल नहीं करना, सिर्फ 2 बार डबल करना। अब 3000 जेब में डालो, अब डालो, आ गया तो सेम रिपीट करो, नहीं आया तो कम से कम आपकी जेब में एक दो तो प्रॉफिट का है, आपका तो एक ही जाएगा दोनों शुरुतों में। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि गैम्बलिंग के अंदर, गैम्बलिंग के पैटर्न के साथ चलना, उसके विरुद्ध नहीं चलना है, अपने बैकअप को ध्यान में रख के चलना है। हमेशा बेट डबल जो होनी चाहिए वो मुनाफाखोरी पे होनी चाहिए, 2 बार से ज़्यादा बेट कभी भी डबल नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि उससे ज़्यादा डबल करोगे तो बहुत मुनाफाखोरी कब करोगे, सारा मुनाफा अगर डबल में लगाते चले जाओगे तो वो तो एंड में एक बैठ जाएगी, फिर सब जीरो, तो फिर आपकी जेब में क्या आएगा। तो मुनाफाखोरी करना आना चाहिए। इसके ऊपर मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम का होगा। जो लोग ये कहते हैं कि आपके वीडियोस के हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, लाइव का नहीं मिलता है, कल संडे है, शायद मैं कल लाइव आऊँगा, तो जो लोगों को नहीं मालूम पड़ता कि मैं लाइव कब आऊँगा, कैसे आता हूँ, तो उसके लिए हो सकता है आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो या नोटिफिकेशन बेल का वो दबा करके ऑल ना किया हो, ये रीज़न हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप ऐसा करो, आपको लग रहा है कि मेरे वीडियो में दम है, मुझसे दो बातें अच्छी सीखने को मिले तो करो। ठीक है जी, ओके, गुड बाय, थैंक यू।